पर्यावरण संरक्षण के लिए परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा स्थित माधव गौशाला में हर्बल गुलाल का निर्माण किया गया। पिछले 3 वर्षों से संस्थान की ओर से माधव गौशाला में उगे प्राकृतिक कैशवला के फूल, बैंगन फूल, पालक से हर्बल गुलाल तैयार की जा रही है। हर्बल गुलाल के निर्माण के लिए इन फूलों को पानी में 3 दिन तक भिगोया रख कर जाता है और उसके बाद अच्छी धूप में सूखने के बाद मिक्सी में पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर से ये पीला, हरा व लाल रंग बन जाता है। केसुला से पीला, पालक से हरा और बैंगन से लाल पाउडर बनता है। पाउडर बनने के बाद 50 किलो आरारोट में 25 लीटर कलर मिलाकर सुखाते हैं। ऐसे में 4 से 5 दिन में गुलाल तैयार होते हैं। पिछले 7 दिनों से गौशाला में यह कार्य चल रहा है। 5 गुप्त गुलाल की 250 ग्राम की पैकिंग कर स्टिकर लगाने में जुटे हैं। इसी तरह होलिका दहन पर हरे पेड़ों की बलि ना चढ़े, इसके लिए गाय के गोबर से लकड़ी, कंडे, बड़बूलों की माला, हवन टीके आदि बनाए गए हैं। संस्था ने होलिका दहन आयोजन समितियों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोबर की लकड़ी व कंडों से होलिका दहन करें और गौशालाओं को संबल प्रदान करें। संस्थान की अपील से होलिका दहन आयोजित समितियां पर्यावरण संरक्षण के लिए गोबर के कंडे से होलिका दहन के लिए सहमत हुई है और 25 समाजसेवी व कॉलोनियों के संगठनों में इसके लिए बुकिंग करवाई है। पिछले 2 माह से गौशाला में 1 लाख कंडों का निर्माण जारी है। स्थानीय महिला आश्रम मालीखेड़ा स्थित अशोक नगर महिला मंडल की ओर से फाल्गुनी 11 सांवला एकादशी के अवसर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए मंडल की सदस्य व पूर्व पार्षद निशा जैन ने बताया कि फाग महोत्सव में महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन व नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही राधा कृष्ण का रूप धारण करा के झांकी सजाई व एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम में मंडल की सदस्यों ने होलियों में उड़े रे गुलाल, कान्हा काकरिया मत मार आदि भजनों की प्रस्तुतियां देकर ठाकुर जी को मिठाई एवं ठंडाई का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। उक्त फाग महोत्सव में संगीता लड्ढा, ऋतु हिंगड़, श्वेता सुमानी, संगीता सुमानी, दिव्या बांगड़, प्रिया बांगड़, लीला बांगड़ सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटड़िया में शुक्रवार को 2 दिवसीय संस्था प्रधानों की सन्नावाक पीठ का आयोजन किया जा रहा था। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर 2 दिवसीय सन्ना सत्रांवाक पीठ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहपुरा द्वारा प्रसाद जोशी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ईटीए सरपंच महादेव गुज्जर, पंचायत समिति सदस्य सूरजकरण जाट, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी जयदेव जोशी, शंकरलाल जोशी मुख्य अतिथि थे। वाकपीठ सचिव धारा सिंह मीना ने बताया कि इस 2 दिवसीय सतनाथ ताकपीठ में पूरे शाहपुरा ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रथम दिन कुल 61 संस्था प्रधानों ने वाकपीठ में भाग लिया। वाकपीठ अध्यक्ष विजय सिंह नरुका ने बताया कि वाकपीठ के प्रथम दिवस में उपप्राचार्य के कार्य एवं दायित्व, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही, समग्र शिक्षा से प्राप्त विभिन्न प्रकार के मदों का वित्तीय लेखा, व्यय एवं समायोजन आदि पर विस्तार से वार्ता की गई। कोषाध्यक्ष रीता धोबी ने बताया कि मेरे अनुभव कार्यक्रम के दौरान नो बैग डे, क्रियान्वित अनुपयोगी सामग्री निस्तारण, शाला सम्मेलन, बोर्ड परीक्षा परिणाम, उन्नयन आदि विषयों पर चर्चा की गई। स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान सत्यनारायण सुतार ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन प्रधानाचार्य धारा सिंह मीना ने किया। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारका प्रसाद जोशी, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी जयदेव जोशी, शंकरलाल जोशी ने सन्नाथ वाकपीठ के उद्देश्य, नवचार के कार्य, अपने अनुभव आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। भारतीय संस्कृति निधि चैप्टर भीलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना मालवा राजकीय महाविद्यालय के 100 छात्र छात्राओं को विश्व वन्य जीव दिवस एवं राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 4th दिन स्मृति वन में विरासत संरक्षण का महत्व बताया। इंटेक संयोजक बाबूलाल जाजू ने वन्य जीव संरक्षक दिवस पर पक्षियों को नियमित रूप से दाना पानी देने, वन्य जीवों को संरक्षण करने, हमारी पुरखों की धरोहर, पुरातत्व महत्व के स्थलों के संरक्षण एवं हमारी संस्कृति, त्यौहार एवं रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। को कन्वीनर श्याम सुंदर जोशी ने कुएं, बावड़ियों, तालाब, नदियां, झरने, पहाड़, जंगली जीव जंतुओं सहित कृत्रिम व प्राकृतिक विरासतों का महत्व बताया। कोषाध्यक्ष दिलीप गोयल ने बताया कि इंटेक संस्था की ओर से क्विज प्रतियोगिता के 19 विजेताओं को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इंटेक के विद्यालय कार्यक्रम प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा ने संस्था का परिचय दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शिविर प्रभारी डॉक्टर कांता मीना ने आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर डॉक्टर राजश्री सेठी, प्रोफेसर राजूराम सांसी, लक्ष्मण गुज्जर ने भी विरासत संरक्षण के प्रति विचार व्यक्त किए।
विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें विप्र फाउंडेशन महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद ने प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अनीता शर्मा को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दया गौड़ अनुराधा ओझा तथा मधुबाला शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संयुक्त सचिव पद पर मोना शर्मा एवं साधना शर्मा को प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया तथा इन विप्र फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं के उत्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लाभान्वित करने का निर्देश दिया, जिससे समाज की महिलाओं में सामाजिक समरसता स्थापित हो सके। मंडल उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी हुक्मचंद रोहलानिया द्वारा बस स्टैंड नीलखंड चौराया तेजाजी चौक ब्यावर मार्ग पर अव्यवस्थित खड़े रहने वाले वाहन और आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने को लेकर सभा भवन में तहसीलदार मदन परमार, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, मंडल सरपंच संजय भंडिया, सचिव कजोल मणगुज्जर, व्यापार मंडल के ओम बिरला, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, अंकित पटवारी के साथ बैठकर चर्चा की गई और यातायात व्यवस्था और थड़ी वालों के साथ फेरी वाले फल फ्रूट हाथ थैले वालों को सड़क पर जेब्रा लाइन खींचकर उन्हें व्यवस्थित करने पर चर्चा की गई। कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जैसे मंडल में मंडल क्षेत्र की जो बस स्टैंड का क्षेत्र है और चौराहे का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो यातायात की जो व्यवस्था है, थोड़ी जो परेशानियाँ हो रही है लोगों को आवागमन में, उस व्यवस्था को सुचारू करवाने के लिए एक बैठक का आयोजन, जिसमें तहसीलदार जी है, BDO साहब है, सरपंच साहब है, व्यापार मंडल के लोग उपस्थित रहे, जिसमें हम लोगों ने निश्चित किया है कि और निर्देशित किया है कि हम आने वाले होली के त्यौहार के बाद में जो लोरी वाले हैं, जो ठेले वाले जो लोग हैं, उनके एक लिए लाइनिंग व्यवस्था सेटअप करेंगे, ताकि उससे वो लोग आगे नहीं आए, ताकि उनको एक आइडिया रहे कि उनको कहां तक अपनी लोरी को सेट करना है। और उसके बाद में जो टैक्सी स्टैंड वाला है, जहाँ पर टेम्पो खड़े होते हैं मेजा रोड बागोर वाले जो क्षेत्र वाले, उसके लिए भी हमने दशहरा मैदान को आइडेंटिफाई किया है कि वो सारे वहाँ से हम संचालित करें। पतंजलि योगपीठ महिला द्वारा नंदेश्वर महादेव मंदिर में समारोह आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता कांता मेलाना ने सभी व्यवस्था संभाली। शारदा वर्मा ने बताया कि स्वामी 6-7-8 मई को भीलवाड़ा आ रहे हैं और उनका 3 दिन का शिविर है। सभी बहनों को स्वदेशी अपना योग के बारे में बताया। सभी भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से BP नॉर्मल होता है, वजन कम करने की भी एक्सरसाइज बताई। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद गर्म पानी पिए और छोटी छोटी बातें बताई। इसमें विभिन्न संगठनों की बहनों को सम्मानित भी किया गया।